हेलो फ्रेंड, क्या आपको पता है कि अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो कीप वॉचिंग, देखते रहें और सीखते रहें। मैं इमरान आलम। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल का स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी अच्छी क्वालिटी में और बहुत सारे फीचर्स के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो कैसे रिकॉर्ड करें। तो चलिए हम आज सीखते हैं मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा लर्निंग जैक्सन चैनल है। आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में जाएंगे, क्योंकि हमें मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। तो अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप्स, गूगल प्ले के ऐप्स स्टोर में आएंगे। ये रहा हमारा ऐप्स स्टोर, इस पर क्लिक करके खोल लेंगे। इसको सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे AZ स्क्रीन रिकॉर्ड। देखिए सबसे ऊपर यही आ गया, इसको हम लोग क्लिक करके खोल लेते हैं। देखिए वैसे मैंने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर को चेक किया है, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर यही लगा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें, और आप यूज़ करने के बाद से मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे मतलब लर्निंग जैसन के चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा ये स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो नो रूट है, मतलब विदाउट रूट भी काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप रूट करके ही काम करें। तो मैंने ऑलरेडी देखिए इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। तो चलिए आप इंस्टॉल कर लेंगे, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से देखिए ये ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा एकदम स्क्रीन के ऊपर, देख रहे हैं, ये एकदम ऐसे ही आएगा। तो आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए देखिए ऐसे ये आया हुआ है। रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना होगा, ये अगर बटन प्रेस करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ये है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कितनी रिकॉर्डिंग हुई है वो आप देख लेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब फाइल में जाकर रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव हुई है वो इसे चेक कर लेंगे। इससे आप क्रॉस करके बंद कर देंगे, और इसको देख कर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सेटिंग है। तो चलिए हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद से ये है सेटिंग। तो ये फ्री वर्सन है, तो इसमें थोड़े ऐड आ ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर है एनकोडर, उसके नीचे है यूज मैजिक बटन, ठीक है। ये है स्टॉप ऑप्शन। रेजोल्यूशन कितना चाहिए आपको, यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कम करके रखा है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा MB लेगा इसलिए मैंने कम करके रखा है, ठीक है। उसके बाद से फ्रेम रेट है, आप अपने हिसाब से फ्रेम रेट आपको कितनी चाहिए आप सेट कर सकते हैं, 30 मेरे लिए सही है। उसके बाद से ये देखिए बिल्ड रेट ऑटो करके रखे हैं, ओरिएंटेशन ऑटो करके रखे हुए हैं कि जिधर चाहे, मतलब जैसे हम मोबाइल को अपने मूव करेंगे वैसे ही घूम के ऑटो रूट हो जाएगा। टाइम लैप्स को डिसेबल कर रखे हुए हैं, ऑडियो को ऑन है, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बेस्ट फीचर, सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये लगा कि इसमें आप टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट आपको वहाँ पर शो करेगा, जैसे कि टेक्स्ट मैंने इमरान आलम लिखा है। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके सबसे ऊपर या जिधर चाहें आप उधर इस टेक्स्ट को ले जा सकते हैं, वहाँ पर ये टेक्स्ट शो करेगा। आपको कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इमरान आलम लिखा हुआ है, जैसे इमरान आलम लिखा, ओके किया, यहाँ टेक्स्ट आ गया, सो टेक्स्ट को ऑन कर देना है। उसके बाद से फ्रंट भी आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं कौन सा फ्रंट चाहिए आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर भी आप ले सकते हैं, जैसे अभी चलिए हम अगर ब्लू करते हैं तो हमारा ये अभी कलर हो जाएगा ब्लू, देखिए यहाँ पर ब्लू हो गया। तो उसके बाद से आप बैकग्राउंड कलर को भी आप देख सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, आप जैसा चाहें वैसा कलर को देखिए पीछे का कलर का बैकग्राउंड कलर ऐसा हो गया, तो वाइट ही अच्छा है तो वाइट रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में पूरी कर देते हैं ये
फिर थोड़ा ये सही नहीं लग रहा है, हम पूरे इसको हटा देते हैं। देखिए अभी पूरा हट गया। अच्छा उसके बाद से टेक्स्ट के साइज़ को भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ अपने लोगो भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप लोगो यहाँ पर डाल सकते हैं। अपनी इमेज का, इमेज की साइज़ कितनी होगी वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सी होगी वो भी आप देख सकते हैं, कहाँ से वीडियो लेके आप डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद से साइज, फ़ोटो का साइज़ आप देख सकते हैं, ये इमेज है, इमेज यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अच्छा उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे आप साइज़ कितनी बड़ी रखना चाहते हैं इस फ़ोटो का, तो वो रख सकते हैं। तो मेरे को सबसे अच्छा फीचर्स यही लगा इसमें, तो आप इसे यूज़ करें और आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा है। ये कैमरा शो करेगा, आपका सामने का भी कैमरा चालू हो जाएगा, ये टच को थोड़ा एनिमेट कर देगा, फीडबैक टच है ये, सो विजुअल फीडबैक फॉर टच। उसके बाद से कैमरा सेटिंग में आपका, आप कैमरा सेटिंग भी कर सकते हैं, कैसा कौन सा कैमरा चाहिए। ये ऑफ दिखा रहा है अभी, हाईलाइट नहीं हो रहा। और काउंट डाउन करना चाहिए 3 सेकंड के बाद से, मतलब 1 2 3 उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। सेव कहाँ होगा वीडियो आप वो चूज़ कर सकते हैं, तो ये और आप यहाँ क्रॉस करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। तो मेरे को ये जो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया। देखिए बहुत लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट वीडियो है, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप इस वीडियो, इसे यूज़ करके आपको कैसा लगा, इसके फीचर्स के बारे में या इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लर्निंग जसंग, तो ऐसे आप टाइप कर लेंगे लर्निंग JUCTION, लर्निंग जंक्शन टाइप करने के बाद से आप इसे सेकंड वाले पे क्लिक करके आप खोल लेंगे। खोलने के बाद से आप इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस पर कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट के रिलेटिव टिप्स ट्रिक एंड ट्यूटोरियल डेली अपलोड होते हैं, जिसको आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।